हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनीला कुक्स। आज मैं बना रही हूँ कपकेक्स माइक्रोवेव में 2 मिनट में। तो चले सबसे पहले मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह बनाऊंगी। मेरे साथ रहिएगा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए कपकेक्स बनाने के लिए, मैदा 1 कप, मक्खन लिया है मैंने, इसको सॉफ्टन कर लिया माइक्रोवेव में 20 सेकेंड के लिए, 100 ग्राम है ये, 2 टेबल स्पून लिया है कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है इसमें, चीनी पिसी हुई होनी चाहिए, और 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है 1/2 टीस्पून, और इसमें ये कंडेंस मिल्क जाएगा, ये मैंने लिया है 200 ml, और 1/4 कप मैंने इसमें लिए हैं चॉकलेट चिप, और ये पानी जाएगा इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम। मैंने ये बॉल ले लिया है, इसमें सबसे पहले मैदा ऐड कर दिया मैंने, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिक्स करते जाएंगे हम चीजों को, शुगर, इसमें डाल देंगे हम कोको पाउडर, मक्खन ऐड कर देंगे हम, मक्खन को हमने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं कंडेंस मिल्क, अब इसमें मैं पानी में ये वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के इसमें मिक्स कर देंगे, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स के साथ 16 कपकेक बना सकते हैं आप, इसमें 16 कपकेक्स बनेंगे। ये जो मैंने 1 कप पानी डाला है, आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं चॉकलेट चिप ऐड कर दूँगी, 1/4 कप ली थी, देखें कितना आसान है, बस आपने इंग्रेडिएंट्स निकाली सारी, मिक्स किया और माइक्रोवेव में रख दिया 2 मिनट के लिए। हमारा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार है, हम इनको कपकेक केसेस में हम ट्रांसफ़र करेंगे। कपकेक केसेस मैंने लिए हैं, इस तरह से मैं इसमें रख दूँगी इनको प्यालियों में, तरीके से हम इसमें इनको भरना नहीं है फुल, इनको खाली रखना है क्योंकि ये फूलेंगे भी माइक्रोवेव होंगे तो। चले आ जाए, अब इनको हम रखते हैं माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए। तो ये 6 के 6 मैंने रख दिए हैं इसके अंदर, वैसे प्लास्टिक मॉल्स भी मिल जाते हैं अगर आप उसमें रखना चाहें तो। अब मैं तो सेट कर दूंगी 2 मिनट के लिए ऑन, चलें 2 मिनट बाद फिर आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गया, मैं इसमें टूथ पिक डाल के देख लेती हूँ, परफेक्टली डन है ये। तो चलें, हमारे कपकेक्स तो रेडी हैं, अब इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेती हूँ। 1 कप मैं ले रही हूँ क्रीम, डबल क्रीम ली है मैंने, 3 टेबल स्पून चीनी और कोको पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, और जितना आप डालना चाहें कम या ज़्यादा ये भी आपकी मर्ज़ी है। वन टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट। तो देखें ये इस तरीके से हमें इसको विप करना था, इतना कि अब ये चम्मच से गिर नहीं रहा है, बस इतना करना है हमने इसको गाढ़ा, तरीके से लगा लिया ग्लास में। आइसिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा आइसिंग हमने कर लिए।
सारी डेकोरेशन, आइसिंग वगैरह सब ये जो है ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। मेरे पास थी तो मैं कर रही हूँ, अगर मेरे पास नहीं होती तो हम ऐसे इंजॉय कर लेते इसको। मेरी आज की जबरदस्त सी कपकेक्स की रेसिपी, और देखें मैंने आपको डेकोरेशन के ये आइडियाज़ दिए हैं, तो कितने खूबसूरत आप ये डेकोरेट करके इसको घर में एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पार्टीज में, बर्थडे पार्टी है बच्चों की, खूबसूरत और मज़ेदार जितना चाहें आप बना सकते हैं। तो वही बात आ गई कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो वही इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब चीज़ें जो मैंने इसमें डेकोरेट की हैं ये सारी एडेबल हैं, आप खा सकते हैं इनको। तो चलें फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।